आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ज्योति मौर्या के बाद अब बरेली के एसडीएम चर्चाओं में, फरियादी को ऑफिस में बनाया मुर्गा, वायरल हो गया वीडियो। बरेली के मीरगंज के एसडीएम उदित पवार का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एसडीएम के दफ्तर का है, जहां कुछ फरियादी उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, लेकिन उनमें से एक फरियादी को एसडीएम ने मुर्गा बना दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडनपुर गांव के हैं और एक जमीन की पैमाइश की फरियाद लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे, मगर यहां एसडीएम ने उनकी फरियाद सुनने के बजाय एक ग्रामीण को अपने सामने मुर्गा बना दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पूरे यूपी शासन में हड़कंप मच गया और मामले को रफा दफा करने तुरंत बरेली के डीएम सामने आ गए। उन्होंने मीरगंज के एसडीएम उदित पवार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल हटा दिया। एसडीएम को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया और मामले पर जांच बिठा दी गई। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया, जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री देशदीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। एसडीएम पर कार्रवाई हुई तो इसके बाद एसडीएम का बयान भी सामने आया। एसडीएम पवार ने इस बात का खंडन किया कि मुर्गा उन्होंने बनाया। पवार के मुताबिक जब वो दफ्तर में आए तो ग्रामीण खुद मुर्गा बना हुआ था और उसका वीडियो लेकर वायरल कर दिया गया। देखिए, आज 2 बजे मैं जब कोट करके अपने चेंबर में लौटा था, तभी 5-6 लोग आए थे मंडनपुर गांव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया। और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हो, और मैंने बाकी लोग जो आए थे गांव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था, जो पीछे था, जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पे फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया, वो गलत है, एकदम निराधार। बहरहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और नौकरशाहों के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।